वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग को हैप्पी धनतेरस। तो आज धनतेरस है और धनतेरस के शुभ अवसर पर आप लोगों ने क्या क्या लिया? हम लोगों ने तो अभी बस छोटा सा झाड़ू लिया है, नहीं इतने बड़े से झाड़ू लिया है और अभी कुछ और भी लिया है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया है। तो मतलब लिया तो बहुत पहले था पर आया, डिलीवरी आज हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी हमने लिया क्या है। तो सबसे पहले ये जो बेड है ये हमने मंगवाया था आज से 7 डेज पहले, तो ये भी आ चुका है। तो इसका भी वीडियो हमारे पास है यूट्यूब पे, हमारा इसका वीडियो है। तो इसके लिए हमने मंगवाया है एक मैट्रिक्स जो हमारा धनतेरस स्पेशल है, हमने धनतेरस में मैट्रिक्स खरीदा है। तो फ्रेंड्स वो मैट्रिक्स हमने कहाँ से ऑर्डर किया और हमारा मैट्रिक्स का कितना लगा हम आपको, और वो कैसा है वो हम आपको अभी दिखाएंगे, और किंतु हमें कैसा रिसीव हुआ है कैसा नहीं हम आपको सब कुछ दिखाएंगे उसका रिव्यू। और इस वीडियो में आप बने रहिए। तो ऑर्थोपैडिक का मुझे पता नहीं, मैं भूल गई थी, ऑर्थोपेडिक का हमारा मैट्रिक्स, जिनके कमर में प्रॉब्लम होते हैं ना, हाँ जिनके कमर में प्रॉब्लम होते हैं बैक पेन, वो आराम से बैक पेन या जो भी होता है तो उसमें कुछ भी सारा प्रॉब्लम से। चलिए आपको मैट्रिक्स दिखाते हैं, तो फॉलो मी। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स, तो ये बहुत भारी है। मैं तो इसको अंदर ला रही थी जब डिलीवरी बॉय आए थे देने के लिए, तो मैं इसको अंदर ला रही थी पर ये बहुत भारी था। तो अभी ये देखिए ये मेरे से ही फट गया है, मुझे इसको टान टान के खींच खींच के ला रही थी तो फट गया ये देखिए, है ना। हाँ तो ये वेकफिट का मैट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक मैट्रिक्स है, 6x5 का है, बहुत ही लवली मैट्रिक्स है और हमें बहुत ही सस्ते दाम में मिला है। तो हम आपको वीडियो के अंत में इसकी क्वालिटी और इसका प्राइस आपको बताने वाले हैं, और 10 दिन के बाद हम फिर एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इसके फाइनली बताएंगे कि ये कैसा यूज़र रिव्यू रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों को ऑर्डर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो डिलीवरी बॉय के द्वारा थोड़ा सा इसका कवर फट गया है, तो इस चीज़ को हमें इग्नोर करना चाहिए। आपको कुछ लोग होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं, बेचारों का प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है, तो थोड़ा होता है, प्लस माइनस होता है, तो इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट ना करें। और चलिए बिना लेट किए हुए, हाँ हम लाइट ऑन करते हैं, नहीं लाइट ऑन करके कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अच्छा वीडियो आ रहा है। चलिए बिना देर किए हुए हम आपको मैट्रिक्स का रिव्यू का मतलब अनबॉक्सिंग भी करते हैं और अच्छा से यूज़र रिव्यू दिखाते हैं। चलिए एक बार मैं आपको नीचे से ऊपर का तब दिखाता हूँ अच्छे से, दिक्षु भी दिखाई रही है आपको, तो अभी अंदर समझ में नहीं आ रहा होगा, इसे हम फटाफट अंदर लेके आते हैं। तो दिक्षु लेके आइए, बड़ा दिखते हैं लेके आ पाती है कि नहीं, बजरंगबली का गधा जैसा है ये। बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है दीक्षु को, बहुत हाई वेट है। और अगर मैं इसका दिखाऊं आपको, ये बार कोड दिखाऊं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हो आप इसकी प्राइस कंप्लीट। अच्छा यहीं कहीं था ना, हाँ ये देख सकते हो आप, ये 30 kg का उठा लिए सोच लीजिए। हाँ तो आप जैसा देख सकते हो कि इसकी ओरिजिनल एक्सप्रेस में जो भी है, एक और था। जल्दी से फटाफट इसको बिना लेट किए हुए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दीक्षु जल्दी से आप एक नाइफ ले आओ, इस बैग को काट दो, पूरा बैग को खत्म ही कर दो, इसके अंदर नाइफ भी देता है। हाँ तो खोलो आप, हाँ फारो फारो, बहुत अच्छी बात है। तो गाइज ये जितने भी मैट्रिक्स आते हैं ना ये कॉम्प्रेस्ड वे में आते हैं, जैसे ही प्लास्टिक खोलेंगे ना तो एक बबल्स की तरह ये फैलेगा, ठीक है। और जैसा आप देख सकते हैं इन्होंने बंदे ने मैट्रिक्स को गंदा भी कर दिया है, तो इस चीज को मुझे पैकेजिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, देख लीजिए यार, तो नहीं क्या अंदर का, इसने गंदा भी कर दिया बंदे ने, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ मैं। कैसे लेके आए, तो कोई नहीं गाइस, एक बार हम खोलेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसे कंप्लेंट डाल के रिप्लेसमेंट कर देंगे। दीक्षु भी थक गई है, हाँ कोई नहीं, प्लास्टिक में पैकेजिंग है। और मैं इसकी बात कर रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो, हाँ इसके पूरा आपको ये मिल जाएगा कि मैट्रिक्स का साइज क्या है, प्राइस क्या है। तो गाइज इसमें आप देख पा रहे होंगे जो इसकी प्राइस है 10,099 है, बट उतना नहीं पड़ा है मुझे, मुझसे कम पड़ा है मुझे क्रेडिट कार्ड से। तो वीडियो के अंत में बताऊंगा फाइनली मुझे कितना पड़ा हर बार की तरह।
तो इस प्लास्टिक को जैसे ही हम करेंगे तो हो जाएगी, दीक्षु थक गई है, थोड़ा पानी पी ले रही है, एनर्जी बूस्ट कर ले रही है। तो चलिए गाइस, दीक्षु हाँ जल्दी से आप ये कर लो, वो ले लो, मैं बताता हूँ। नहीं मेरे को डर लगता। हाँ हाँ ठीक है, कट गया तो नहीं इससे मत लो आप, मैं बताता हूँ, एक चम्मच ले लो, चम्मच से नहीं कटेगा, चम्मच नुकीला नहीं होता ना, तो चम्मच से प्लास्टिक को फाड़ सकते हो आप। इससे? ये नहीं, वो धार वाला चम्मच ले लो, या तो फिर मैं ही फाड़ता हूँ ना बच्चों। हाँ फाड़ो। ठीक तो आइए, आपसे नुकसान होगा तो प्रॉब्लम। तो रुके एक स्लोमो भी बना लेते हैं इसी में गाइस। तो हेलो गाइस, तो इसे अभी मैं खोलना है, तो आप एक चीज देख पा रहे होगे, नोटिस कर पा रहे होगे कि ये कब प्लास्टिक के अंदर है, कंप्रेस्ड वे में। तो जैसे आप प्लास्टिक को फाड़ोगे ना तो धीरे धीरे ये फैलेगा और पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम कैसे करना है, सेफ्टी से करना है जिससे मैट्रिक्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ये काम दीक्षु भी कर सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ दीक्षु से कराऊं जिससे मैं इसका स्लोमो का वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो चलिए दीक्षु आ जाइए। फ्रेंड दीक्षु अब ट्राई कर रही है, इसको खोलते खोलते बहुत लेट हो जाएगा, करिए हटो मैं करता हूँ दीक्षु का, दीक्षु से पोपट हो जाएगा एकदम, जब लास्ट में आखिरी बचेगा तो दीक्षु से करवा लें। फ्रेंड्स कंपनी वालों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, इससे बैक टू बैक प्लास्टिक दे रखे हैं और ये बहुत ही तेज़ी से निकलने वाला है, तो मैं इसे मिस नहीं करना चाहता इस पल को। यस वेरी गुड, वेरी गुड दीक्षु, वो हम स्लोमो कर लेंगे वीडियो को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रुको अब एक स्लोमो बना लेते हैं। वाह यस, देखिए गाइस खूब मजा आया। तो फाइनली ये मैट्रिक्स एक तरफ से सॉफ्ट है, एक तरफ से हार्ड है, तो ओह तो एक बार दीक्षु भी जंपिंग कर रही है, तो एक बार यहां से जंपिंग करके कैसा लग रहा है दीक्षु, अभी अगर अपोजिट से जंपिंग करते हैं। हाँ थक गया जंपिंग कर कर। तो गाइज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है, तो थोड़ा सा वीदियो को हम रोकते हैं और पकड़ो दीक्षु हम इसको पल। तो फ्रेंड्स मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा है, आप दीक्षु बताएगी कैसा लगा दीक्षु आपको मैट्रिक्स, और बहुत ही हार्ड है और इस बैक साइड सॉफ्ट, वाइट की तरफ सॉफ्ट है, थोड़ा गंदा हो गया है, अब हम चाहे तो कंप्लेन भी कर सकते हैं बट कोई नहीं, हम इसको थोड़ा चला लेंगे काम। तो आइए, तो दीक्षु आप थोड़ा उधर जाइए फर्स्ट, इसको हम ये चैन खोल के इसको वॉश भी करें। हाँ हाँ बेड पे ऊपर चढ़िए, आप बेड पे ऊपर चढ़िए, तो हमारे थोड़ा दिक्कत हो रहा है पकड़ने में। वाव यस, हाँ नीचे पकड़िए सर के, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए और इसको आप एडजस्ट करिए, वेरी लवली, ये पूरा अंदर घुस गया क्या, सेट हो गया क्या पूरा, वाओ परफेक्ट फिटिंग है, परफेक्ट। हाँ, 8 inch है ना, बोले थे ना कि बेड बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, तो अब बेड वेरी कंफर्टेबल। तो दीक्षु एक बार आपको कुछ कैसा फील हो रहा है दीक्षु को, रुके एक स्लो, क्वालिटी और विड्थ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अगर मैं इसे प्रेस करके दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, तो अब फाइनली इसकी कॉस्टिंग की बात आ गई,
तो अभी मैंने बिग मिलियन डे में इसे ऑर्डर किया है, तो मुझे ये 6900 का पड़ा है। और इस तरफ वेरी सॉफ्ट और इस तरफ जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ कम सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं हमने बेडशीट डाल दिया है, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। इसकी विथ ऑटोमेटिक 6 इंच बढ़ चुकी है, तो बहुत ही फाइन क्वालिटी की है। अब देखना ये है कि 10 दिन के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। मैट्रिक्स तो बहुत पसंद आया, तो आपको कैसा लगा मैट्रिक्स तो हमें जरूर बताइएगा। और जिसको भी ये मैट्रिक्स लेना है तो हम इसका रिव्यू तो दे चुके हैं और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और 10 दिन बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें सोफे की कहीं हमें बैक पेन या फिर कहीं पेन या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, तो हम आपको इसका ये दिखाएंगे बाद में, मतलब बताएंगे आपको। तो आप देखिए मैट्रिक्स बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब मैं इसमें अपने न्यू बेडशीट बिछाऊंगी और हम बहुत मस्त दिवाली मनाएंगे। तो हैप्पी धनतेरस गाइस। तो धनतेरस के दिन में हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। चलिए थैंक यू। और कैसा लगा मैट्रिक्स आप लोगों को? तो ये हम अमेज़न से मंगाए हैं, 6900 पड़ा है गाइस हमें। तो बहुत अच्छा मैट्रिक्स है, बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय कर दो, दिखो, बाय 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 बाय।